दोस्ती, इस मंदिर तक आ सकते हो लेकिन 2 मील दूर माधवपुर मेरे घर नहीं आ सकते। अब मैंने कहा अपनी किशोर की बहन। हाय कशियस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी सिंगम, चलो मेरी घर चलते, वहाँ आराम से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, चलो। हाँ लेकिन अपनी को घर छोड़ना। वो चली जाएगी ना रिक्शा से, तू जा चलो। तावड़े। हाँ बहू। अपनी को घर छोड़ दे। ओके बहू। तो ये जरूरी काम था। तावड़े चल 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 नीचा कर। सिंगम, मुझे तुमसे मदद चाहिए। देखो मना मत करना, तुम्हें हमारी बचपन की दोस्ती की कसम है। क्या हुआ? अरे भगा ना भगा। आशीष, आशीष से शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे आई बाबा हमारी शादी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण्स हैं ना, और वो अलग जाति का। लेकिन तुम अगर मेरे बाबा से मिलो, हमारी बात करो, तो वो मान जाएंगे। तुमको बात मानते हैं ना वो सिंगम? ठीक है, मैं बात करता हूँ। थैंक यू। एक तावड़े चला चला तो रहूँ और कितना तेज चलाऊँ? चला चला भगा तो रहूँ और कितना भगाऊँ? एक तावड़े तावड़े भगा भगा क्या उन्हें कितना चला और तेज चला तो रहूँ और तेज चला भगा एक तावड़े एक आए रे क्यों रोका? अरे उन्हीं ऑटो है एरोप्लेन नहीं है, तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है तो सांग माला। मैंने कहा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, जरूरी काम। ए मेनका, आशीष लोचा वाला कहाँ है? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। घर पे कोई नहीं, चलो। क्या हुआ आशीष? अरे इनका, मेरे आई बाबा ने वो मेरे पड़ोस वाली लड़की ना शीला, उसके साथ मेरी शादी फिक्स करवा दी। क्या मतलब? उस लड़की ने तुम्हारे आई बाबा पे काला जादू कर दिया है। नालायक, कमीनी, गायन कहीं की? मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। हमारे बीच कितने सदियों का प्यार है, प्लीज कितना आगे बढ़ गए हम लोग, तुम कुछ करो ना। अरे शुभांगी, आज मैं खूब आनंद आते, इतनी कोशिशों के बाद आज कामयाब हुए। हो ना अग, कल भी सिंघम और अवनी दोनों एक साथ मंदिर गए थे और आज भी दोनों गायब है। दोनों नहीं, सिर्फ सिंघम। अवनी तू यहाँ? हाँ, आपका सिंघम उर्फ विश्वामित्र मेनका के साथ है, दोनों ने माधवपुर को अपना वीकेंड रिजॉर्ट बना लिया है। मेरा सिंघम ऐसा नहीं है। करेक्ट, ऐसा नहीं है, वैसा है। बाबा काका आओ, सबको बताती हूँ आपका सिंघम कैसा है। चला चला उठा। आशीष बड़े फट्टू हो यार। अरे किसी की भी इनका सोचा, अगर अपने घर वालों को पता चल गया कि हम लोग ऐसे छुप छुप के मिलते हैं तो क्या? ओ हेलो मेनका, पता चल गया, पता चल गया। मेनका ओ हेलो, दरवाजा खोलो। मेरा पता कट गया, मुझे पता है, मेरा पता, मुझे छुपा ले। कितना टाइम तो लगता ही है ना, हाँ? छुपाने के लिए? क्या? आओ फैमिली ऑडियंस। आई बाबा या अब मैं दिखाती हूँ जो फैमिली ऑडियंस को नहीं देखना चाहिए। ओ हेलो, कुठे आए? बाहर ये। अगर इस तरह क्या? इस तरह से क्या, हर तरह से एक्सपोज होने वाला है वो आज। ओ हेलो, फैमिली ऑडियंस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा होगा तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखिए देखिए, इस सफेद पर्दे के पीछे वो काला चेहरा है जो मासूम लड़कियों को फुसलाकर दिन दहाड़े अपना शिकार बनाता है। ये वो दरिंदा है जो
तू ऐसे ये बीच में आकर क्या? बीच में तो हुआ ही है। ये तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है मेनका, और मेरे फीलिंग्स के साथ भी खेला है इसने। तुम्हारे नाम का मतलब शेर है शेर, लेकिन अकल गधे की है तुम्हारी। उस रात जब तुम बाबा से शादी नहीं करने की बात करने वाले थे और मैंने रोका, तुम समझे नहीं मैंने क्यों रोका? क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने लगी हूँ, तुमसे शादी के सपने सजाने लगी हूँ। और तुमने ऐसा किया? आइला, आप मेरे साथ शादी बनाने का सपना देख रही हैं तो फिर पहले मेनका को समझाना पड़ेगा। आशीष, इसका मतलब तू मेरे साथ साथ इसको भी लाइन मारा था? हरकत मेरा, यानी तुम दोनों का चल रहा था? हाँ अवनी, और हम दोनों के बीच तू आई है। रहने देना। क्या? तो फिर सिंघम कहाँ है? यहाँ है। सिंघम, इन दोनों का चल रहा था। तुमने वो सब कुछ सुन लिया? तुम लोग को होता नहीं है बोलने को कि ये खड़ा है? आई जा घावात, इतने शरीफ इंसान को बदनाम कर रहे हो तुम लोग भी ना।